मैं रितिक सामोता शाहपुरा जयपुर से रहने वाला हूँ। मेरे नीट में नंबर 650 हैं और मेरी रैंक 4661 है और मुझे एम्स गुवाहाटी आसाम अलॉट हुआ है। सीएलसी एक परिवार से भी बहुत बड़ी चीज़ है। कभी कभी हम ये सोच के कर देते हैं कि यार कल याद कर लेंगे, लेकिन बॉस कभी भी ये नहीं सोचते थे कि हम कल देख लेंगे बच्चों को। हमें रोज़ाना देख के जाते थे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कैसे पढ़ रहे हैं। रोज़ाना हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती थी। और सीएलसी में तो आप आकर देख सकते हो कि क्या है। एक बार सीएलसी छोड़ के कहीं दूसरी जगह गया था, दूसरी कोचिंग में, तब मुझे पता चला था कि कुछ नहीं हुआ वहाँ जाके, मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ। वापस मैंने सीएलसी पर विश्वास दिखा के वापस सीएलसी आया, तब मुझे पता चला कि एक परिवार की केयर कितनी होती है। वो कोई कोचिंग की तरह एक ऐसे नहीं है कि बिजनेस कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, एक परिवार की तरह हम पालते हैं, एक पिता की तरह हमेशा ध्यान रखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। साल शुरू होता था उससे पहले ही हमें शेड्यूल दे दिया जाता था कि अब कब क्या टेस्ट होंगे, कब क्या होगा, सब कुछ पहले ही बता दिया जाता था। और सीएलसी के टेस्ट तो कुछ पूछो ही मत, वो तो एनसीईआरटी बेस। मुझे खुद को विश्वास नहीं था कि मेरे फिजिक्स में मैं 44 क्वेश्चन सही कर सकता हूँ इन पेपर को देख देख के। तब मुझे विश्वास हुआ कि सीएलसी एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तो यही चाहूँगा जो भी नीट या जीए करना चाहो वो सीएलसी में जरूर आए। जय सीएलसी। मेरा नाम मनीषा तंवर, पापा का नाम कैलाश सिंह तंवर, कोटपुतली जयपुर से बिलोंग करती हूँ। और मैंने इसी साल सीएलसी में प्रवेश किया था, नीट 2022 में 630 अंक प्राप्त करके, और आरएचएस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश किया एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में। सीएलसी का जो माहौल है एक कोचिंग की तरह नहीं, परिवार की तरह। बॉस में मेरे को मेरे पापा जैसे भाव दिखाई देता है, मतलब वो एक पिता जैसा फर्ज निभाते हैं। और सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा है सीएलसी में वो रहा है बॉस की असेंबली का, जो हम हमेशा अटेंड करते थे और जिसमें हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह होता। सीएलसी का एनवायरनमेंट है जो एक फैमिली के जैसा है। सीएलसी एक कोचिंग नहीं, सीएलसी एक परिवार है। थैंक यू सो मच बॉस एंड थैंक यू सो सीएलसी टीम। जय सीएलसी।